सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए इस बेल के घंटे को ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कुरवान अली और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी आदमी के नाम से उसके नाम पे कितना ज़मीन रजिस्टर्ड है वो जानकारी कैसे निकालें। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में और सीख लीजिए कि किसी भी आदमी के नाम से कैसे ज़मीन के बारे में पता लगाएं और खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल ज़मीन कितना है उस आदमी के पास, ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में बने रहिए और सीख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप डेस्कटॉप मोड में लगा लें अपने क्रोम ब्राउज़र को, जैसा कि मैंने लगा के रखा है। और उसमें आप लिखें सर्च बॉक्स में BHULEKH भुलेख, और जिस स्टेट में आप रहते हैं वो लिख दें। तो मैं बिहार में रहता हूँ तो बिहार लिख देता हूँ और यहाँ सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट मिल जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड फॉर्मर्स नाम की, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपना ज़िला चूज़ कर लें। मैं मधुबनी ज़िला में रहता हूँ, मैं अपने ही बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो इसमें मधुबनी चूज़ कर लेता हूँ। और जयनगर एरिया में रहता हूँ मैं, उसके आसपास, तो मैं जयनगर चूज़ कर लेता हूँ। जयनगर चूज़ करने के बाद आप अनुमंडल चूज़ कर लें। अनुमंडल मेरा जयनगर है, अनुमंडल मेरा जयनगर है। मैंने जैसे अनुमंडल चूज़ कर लिया तो मुझे मौजा का नाम चुनने को बताया जा रहा है, तो इसमें से मैं अपना मौजा चुन लेता हूँ। मौजा का नाम क्या है ये चुन लेता हूँ। तो मेरा मौजा है बेला बेली पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से जिस हिसाब से भी चाहूँ जानकारी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहली बताया था कि आदमी के नाम से कैसे पता करें कि उनके पास कितनी ज़मीनें हैं। तो हरसी दुर्गी वाली जो आप देख रहे हैं, समस्त गांव देखें, उसके सबसे नीचे आपको एक तीन बॉक्स दिख रहा है डिसेबल, सबसे लास्ट वाला बॉक्स के ठीक पीछे खाताधारी के नाम से देखें का यहाँ पहले टिक मार्क लगा लें। टिक मार्क होने के बाद वेबसाइट अपने आप चली जाएगी दूसरे मोड में और यहाँ आपको नाम लिखने के लिए जगह मिल जाएगा। इसमें आप अपने पिताजी का या अपने दादाजी का नाम लिखें, तो मैं अपने पिताजी का नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया है और मैं किसी और के बारे में जानकारी देना सही नहीं समझता, इसलिए मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ आपको। और आप चाहे तो अपने बारे में चेक करें या किसी और के बारे में। और नाम लिख देने के बाद आप खाता खोजे पे क्लिक करें। खाता खोजे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आप जिस आदमी का भी खोज रहे हैं उसका नाम मिल जाएगा, उनके पिताजी का नाम मिल जाएगा और खेसरा संख्या मिल जाएगा और खाता संख्या मिल जाएगा। ये सब आपको अगर मिल जाए, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम तस्लीम मियाँ, दादाजी का नाम मनीर मियाँ, खाता संख्या इतना, खेसरा संख्या इतना, सब मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ अधिक देखें पे क्लिक करता हूँ। अधिक देखें पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, और इस पेज को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल प्रिंट नहीं करने वाला हूँ और पूरी जानकारी इसी में है। तो मुझे आशा है कि आपने सीख लिया होगा कि किसी भी आदमी के बारे में कैसे जानकारी निकाला जाए, कि उनके पास कितनी ज़मीनें हैं और कैसे चेक किया जाए। और बहुत ही आसान है इसको चेक करना,
बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे चेक किया जाता है किसी भी आदमी के ज़मीन के बारे में। धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।